भाइयों बहनों, आज भारत जल से, थल से, नभ से और अंतरिक्ष से यानी चारों जगह से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हुआ है। कुछ महीने पहले दुनिया ने देखा कि कैसे अंतरिक्ष में गोली की रफ्तार से घूम रहे एक सैटेलाइट को 3 मिनट में जमीन से सैटेलाइट गया और उसको जमीन से मिसाइल गई और उसको 3 मिनट में गिरा दिया। ऐसी तकनीक करने वाला, ये हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। अमेरिका, रूस और चीन को ये काम पहले से वो कर पाए थे। ये कितनी बड़ी ताकत है आप तभी समझ सकते हैं जब आपको पता चलेगा कि अंतरिक्ष शक्ति होने का हमारे जीवन में महत्व क्या है। भाइयों और बहनों, आपका फोन, दफ्तरों के कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, मौसम की जानकारी, ये सब मिसाइल से लेवर के जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आज अंतरिक्ष से कंट्रोल न होता हो। कल्पना कीजिए, अगर कोई सनकी दुश्मन अंतरिक्ष में हमारे उपग्रहों पर हमला कर दे तब क्या होगा? कुछ बचाएगा क्या? सब ठप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये खतरा मोदी के आने के बाद आया है, ऐसा नहीं है। ये खतरा तो पहले भी था, हमारे वैज्ञानिकों के पास ये ताकत भी थी, लेकिन मोदी आने के बाद हिम्मत के साथ फैसला किया और हमने अंतरिक्ष में दुनिया की ताकत बन गए। भाइयों बहनों, पहले की सरकार डरती थी कि कुछ करेंगे दुनिया प्रतिबंध लगा देगी, दुनिया रूठ जाएगी, हमारी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। साथियों, वो मजबूर सरकार थी। एक परिवार की सुख सुविधा, उसका नाम जपने के, उनके काले कारनामों को छिपाने के लिए वो समर्पित सरकार थी। उनको देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी कृषि की सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन आपके इस चौकीदार का मिजाज वैसा नहीं है। मेरे लिए सिर्फ राष्ट्र प्रथम है। यही कारण है कि मैंने वैज्ञानिकों को इस काम पर जुटने की इजाजत दी। आज हम चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुके हैं। प्रतिबंध लगाने के बजाय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। अब भारत पर नजर डालने से पहले कोई भी दुश्मन 1000 बार सोचेगा।